गाइस, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप अपने जियो बजट फ़ोन ख़रीदा है तो आप इसमें क्या क्या फीचर है, क्या है, वो सब आज अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपको मैं जियो फ़ोन यहाँ पे अनबॉक्सिंग यहाँ पे बॉक्स में से निकाल लिया है। यहाँ पे मैं इसमें क्या क्या बैटरी या सिम या मेमोरी क्या क्या फंक्शन दिए है वो सब आज दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे बैटरी भी लगा दी है। यहाँ पे देखिए, आपको सिम कार्ड यहाँ पे 1 सिम कार्ड जियो का 4G यूज़ होगा इसमें, और एक मेमोरी कार्ड भी यूज़ होगा। देखिए, यहाँ पे जियो का सिम 4G सही से लगा है, यहाँ से सेम है। तो यहाँ पे बैटरी डाल के मैं ऑन कर लेता हूँ मोबाइल। तो देखिए, यहाँ पे मोबाइल ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे सिम कार्ड मेमोरी वगैरह सही है। देखिए, अभी ऑन कर लिया, यहाँ पे मोबाइल में लाइट आ चुका है, मोबाइल में स्क्रीन पे लाइट आ चुका है। देखिए, यहाँ पे टाइम वगैरह यहाँ पे सेट कर लेना है आपको। यहाँ पे जियो 4G लिख के आ चुका है, मतलब सिम कार्ड एक्टिव हो चुका है, सिम कार्ड चालू हो चुका है। यहाँ पे और क्या क्या फीचर हो सब दिखाने वाला हूँ। देखिए, आप इसमें मोबाइल नंबर कैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैसेज का ऑप्शन दे दिया है सही से। यहाँ पे कॉल कैसे करेंगे, कॉल यहाँ पे नंबर कैसे टाइप करेंगे। देखिए, यहाँ पे कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉल के सारे ऑप्शन, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो जो कंपनी के दिए हुए वो सब ऐड हो चुका है, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और यहाँ पे जो नंबर लगाना है वो लगा के यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। देखिए, ऐसे आप नंबर लगा के भी कॉल कर सकते हो, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट में जा कर भी यहाँ पे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप न्यू नंबर कैसे सेव कर सकते हो वो भी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे न्यू नंबर कैसे सेव कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे आपको नंबर डालते हो नीचे, जो भी नंबर ऐड है उसमें से आप मैच होंगे तो यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे नहीं है। देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ मोबाइल नंबर कैसे सेव कर सकते हो जियो भारत फोन में। तो देखिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए, सारे कॉन्टैक्ट एयर कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे न्यू कैसे ऐड करना है वो सब दिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे चले जाना है। देखिए, यहाँ पे सब ऑप्शन दे दिए है, यहाँ पे करना क्या है आपको, कॉन्टैक्ट पे चले जाना है बाद में। यहाँ पे देखिए, मैं कॉन्टैक्ट में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉल मैसेज डिलीट भी कर सकते हो, मैसेज कॉल डिटेल ऐड न्यू कॉन्टैक्ट। यहाँ पे ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर लें। यहाँ पे फ़ोन या सिम, तो यहाँ पे जिसमें फ़ोन में सिम में नंबर सेव करना चाहते हो उसमें सेव कर लेना है आपको। यहाँ पे मैं फ़ोन में सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको नेम, यहाँ पे आपको कस्टम जो भी आपका मोबाइल का जिसका भी मोबाइल नंबर उसका नेम, या फिर फ़ोन नंबर, या फिर नंबर लिख के आप ओके करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर सेव हो जाएंगे। तो आप जियो भारत फोन में ऐसे मोबाइल नंबर सेव कर सकते हो। देखिए।